नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम एटोरेक सीवी 10 mg कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। एटोरेक सीवी 10 mg कैप्सूल का मुख्य उपयोग हार्ट अटैक और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए एटोरेक सीवी 10 mg कैप्सूल के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह कैप्सूल कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस कैप्सूल से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी की 10 कैप्सूल की यह स्ट्रिप आपको 109 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट के बारे में। एटोरेक सीवी 10 mg कैप्सूल में एटोरोस्टेटिन IP 10 mg और क्लोपिडोग्रेल IP 75 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एटोरोस्टेटिन यह एक स्टेटिन यानी कि लिपिड कम करने वाली दवा है। यह एक एंजाइम को ब्लॉक करता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए आवश्यक होता है, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और क्लोपिडोग्रिल यह एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है जो प्लेटलेट्स को चिपकने से रोकता है, जिससे खून के थक्के नहीं जम पाते। बात करते हैं इस कैप्सूल के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की समस्या और खून में LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के बढ़ने की समस्या, इन सभी समस्या में डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस कैप्सूल का डोज अपने डॉक्टर या फिर फार्मासी से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इसका डोज पेशेंट की बीमारी और आयु पर निर्धारित रहता है। पेशेंट की बीमारी के हिसाब से हर पेशेंट का डोज अलग अलग हो सकता है, इसलिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें। बात करते हैं इस कैप्सूल से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस कैप्सूल से आपको मतली, उल्टी, दस्त, कब्ज, सिरदर्द, एलर्जी, जोड़ों में सूजन और साथ ही पेट की गैस यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह कैप्सूल यूज करने से पहले क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस कैप्सूल में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। यदि इस कैप्सूल का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें। यह कैप्सूल लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिले हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।